आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूमर टीवी पे। आज मैं आपको टॉप 10 अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा। मेरी जो लिस्ट में पहला मोबाइल है वो है रियलमी का रियलमी X2। इसमें आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा जो कि होगा 64 मेगापिक्सल का, और सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का, और थर्ड कैमरा 2, और फोर्थ कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का। और इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, और इसमें आपको बैटरी 4000 mAh देखने को मिलेगी, और इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिलेगा, और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 16000 के लगभग है, और ये लॉन्च हो सकता है दिसंबर के एंड तक। दोस्तों, हमारी जो लिस्ट में अगला मोबाइल है वो है हुआवे की तरफ से, हुआवे का Mate 30 Pro। इसमें आपको बैक में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेंगे, जो फर्स्ट है वो है 40 और सेकंड भी 40 का, और थर्ड आपको 8 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा। और इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, और इसमें आपको बैटरी की बात करें तो 4500 mAh देखने को बैटरी देखने को मिलती है, और इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। और इसके साथ ही ये पहला मोबाइल होगा इंडिया में जिसमें आपको 5G सपोर्ट देखने को मिलेगा, और ये लॉन्च हो सकता है नवंबर में। और इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस 86000 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अगले जो मोबाइल की बात करने जा रहा हूँ वो है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी S11। इसमें आपको जो कैमरा देखने को मिलते हैं वो थोड़ा स्पेशल। इसमें आपको जो फ्रंट कैमरा में आपको पंच होल ड्यूअल कैमरा देखने को मिलते हैं, जो कि 10+8 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा, और इसके बैक कैमरे की बात करें तो आपको इसमें ट्रिपल कैमरा देखने को मिलते हैं। जो इसका फ्रंट कैमरा हुआ वो है 108 मेगापिक्सल का, और उसका सेकेंड कैमरा 13 मेगापिक्सल का, और इसका थर्ड कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का, और इसमें आपको प्रोसेसर सैमसंग का Exynos 9 ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, और बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 3700 mAh की देखने को मिलती है। इसकी लॉन्च डेट की बात करूं तो आपको ये फरवरी 2020 में देखने को मिल सकता है, और इसकी प्राइस की एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करूं तो आपको ये मिनिमम 74000 का देखने को मिलेगा। मेरी जो लिस्ट में अगला मोबाइल है वो है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो का K5। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं, जिसका फर्स्ट कैमरा 64 और सेकंड 8 का, और थर्ड 2 और फोर्थ भी 2 का। और इसके फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, और इसकी बैटरी आपको 4000 mAh देखने को मिलेगी। इसकी एक्सपेक्टेड डेट की बात करूँ तो ये आपको दिसंबर में देखने को मिल सकता है, और इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो है मिनिमम 19000 के करीब। दोस्तों, अगला जो मैं मोबाइल बताने जा रहा हूँ वो है सैमसंग की तरफ से सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी M41। इसमें आपको सैमसंग का सैमसंग Exynos 9 प्रोसेसर देखने को मिलता है, और इसका फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का, और इसमें आपको बैक में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलते हैं, जिसमें फ्रंट कैमरा 64 मेगापिक्सल का, और सेकंड कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, और इसके थर्ड कैमरे की बात की जाए वो है 85 मेगापिक्सल, और ये आपको जनवरी 2020 में देखने को मिल सकता है, और इसके मैं एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करूं तो आपको ये 21000 में मिल सकता है। अब मैं जो अगले मोबाइल की बात करने जा रहा हूं जो मेरी लिस्ट में है वो है वीवो का Nex 3। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस मिलेगा, और इसके साथ ही आपको इसके बैक कैमरे की बात करूं तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का फर्स्ट कैमरा, और सेकंड कैमरा है 13, और थर्ड कैमरा भी 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, और इसके फ्रंट कैमरे की बात करूं तो आपको इसमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, और इसमें आपको बैटरी 4500 mAh देखने को मिलेगी। इसके साथ ही इसकी लॉन्च डेट भी आपको बताऊं तो इसकी लॉन्च डेट आप ये नवंबर में लॉन्च हो सकता है या इससे लेट भी लॉन्च हो सकता है, और इसके प्राइस की बात करूं तो ये 50990 यानी मिनिमम 51000 का आपको। मोबाइल की बात करें तो वो है गूगल की तरफ से गूगल का Pixel 4। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 मिलेगा, और इसमें आपको 12 कैमरा देखने को मिलेंगे बैक में, जिसका फर्स्ट कैमरा है 12.2 मेगापिक्सल का, और जो सेकंड कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल, और इसके फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के 12 कैमरा देखने को मिलेंगे, और इसके साथ ही इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 31 अक्टूबर या फिर आपको नवंबर के महीने में देखने को मिल सकते। तो इसके प्राइस की बात करूं तो ये आपको 57190 यानी मिनिमम आपको 57.5 देना पड़ेगा इस मोबाइल के लिए। अब मैं जो अगले मोबाइल की बात करने जा रहा हूं वो है गूगल के ही तरफ से गूगल का Pixel 4 XL। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 और
इसके और इसके कैमरे की बात की जाए तो इसमें भी आपको 12 कैमरा देखने को मिलेगा। इसका फर्स्ट कैमरा है 12.2 मेगापिक्सल का और सेकंड कैमरा है 16 मेगापिक्सल और इसके इसमें आपको एक ही कैमरा मिलेगा सामने देखने को जिस जो कि 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा और इसमें आपको बैटरी 3700 mAh देखने को मिलेगी। और ये एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 31 अक्टूबर या फिर आपको नवंबर में देखने को मिल सकता है। इसकी प्राइस की बात करें तो आपको मिनिमम 54,000 का देखने को मिल सकता है। आपको जो अगला मोबाइल बताने जा रहा हूँ वो है Xiaomi की तरफ से MI का Mix Alpha, जिसमें आपको दोनों तरफ स्क्रीन देखने को मिलेगी और इसकी कैमरे की बात की जाए तो इसमें आपको बैक में 108 मेगापिक्सल का और जो सेकंड कैमरा है वो है 20 मेगापिक्सल का और जो थर्ड है इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का मिलेगा। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और इसके फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो इसमें आपको फ्रंट कैमरा देखने को नहीं मिलता है और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस देखने को मिलेगा है। और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो है 2 लाख रुपीस और इसकी जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है वो आपको दिसंबर में देखने को मिल सकता है। मेरे जो लिस्ट का सबसे आखिरी और जो लास्ट मोबाइल है वो है MI की तरफ से MI का Mix 3। इसमें आपको 12 कैमरा देखने को मिलेंगे फ्रंट में, जिसमें आपको फ्रंट कैमरा 24 मेगापिक्सल का और जो सेकंड कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का और इसके बैक कैमरे की बात करूँ तो आपको इसमें भी बैक में भी ड्यूअल रियर कैमरा देखने को मिलते हैं जिसका फ्रंट है 12 मेगापिक्सल का और सेकंड भी 12 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। और इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 64.5 में देखने को मिल सकता है या फिर 65,000 तक ये आपको देखने को मिल सकता है और ये नवंबर के लास्ट में लॉन्च हो सकता है। प्राइस की बात करूँ तो ये आपको मिनिमम 35,000 का मिल सकता है। टॉप 10 अपकमिंग मोबाइल थे जिनको मैंने आपको बताया और इसके साथ ही जब ये लॉन्च होंगे तब मैं आपको इसकी फुल डिटेल और इसकी फुल स्पेसिफिकेशन आपको दे दूँगा। और इसके साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड कमेंट और इसके साथ ही सब्सक्राइब करें। और आप इन मोबाइल का कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और आप कौन सा मोबाइल पसंद है जो आप ख़रीदना चाहते हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं।